आखिरकार पवन सिंह और ज्योति सिंह आ ही गए साथ। जी हाँ, काफी समय के मनमुटाव के बाद ये दोनों एक साथ फिर नजर आए और अब की बार इनके बीच अच्छी खासी सुलह हो गई है। सुनने में आ रहा है पवन सिंह और ज्योति सिंह एक बार फिर अपनी मैरिज को चांस देना चाहते हैं और एक दूसरे के साथ अब रहना चाहते हैं। बता दे कि काफी दिनों से इन दोनों के बीच खटपट चल रही थी, मनमुटाव चल रहा था, लेकिन सारे गिले शिकवों को भूल ये दोनों एक साथ फिर आए हैं। इन दोनों की खटपट तब सामने आई थी जब पवन सिंह की चचेरी बहन की शादी में ज्योति सिंह बलिया में होते हुए भी वहां मौजूद नहीं थी, जिससे ये साफ पता चल गया था कि इन दोनों के बीच कुछ सही नहीं चल रहा है। क्योंकि पवन सिंह के चचेरी बहन की शादी में पवन सिंह मौजूद थे, साथ ही उनकी माँ मौजूद थी, लेकिन हर किसी की निगाहें ढूंढ रही थी तो ज्योति सिंह को, जो कि कहीं भी नजर नहीं आई, जिससे ये पता चल गया कि दोनों के बीच खटपट है। लेकिन ये खटपट इतनी ज़्यादा होगी किसी ने एक्सपेक्ट नहीं की थी। हाँ, पवन सिंह अपने चुनाव प्रचार में बिजी हो गए और फिर अपने स्टेज शो में, लेकिन पवन सिंह की माँ और ज्योति सिंह के परिवार वालों की पहल की वजह से ये दोनों फिर एक साथ आए हैं और हमारी यही शुभकामनाएं ज्योति और पवन सिंह के लिए रहेगी कि ये दोनों हमेशा साथ रहें, क्योंकि ये दोनों एक साथ काफी क्यूट और एडोरेबल कपल लगते हैं। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।